हैं जम्मू के अंदर, जहां पर सालाना अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां मजीद तेज कर दी गई हैं। और तय शेड्यूल के मुताबिक जहां पर जून के महीने में आप देखेंगे कि अमरनाथ यात्रा का पहला जत्था जो कि वादी कश्मीर के लिए जम्मू से रवाना होगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हो गया है। मुल्क भर की 400 से ज्यादा बैंक ब्रांचों के अंदर जहां पर रजिस्ट्रेशन शुरू हुई थी यकुम अप्रैल को, लेकिन कल पहला दिन था। 40 से ज्यादा काउंटर्स जम्मू के अंदर भी मुख्तलिफ बैंकों के जो कायम किए गए हैं वहां पर रजिस्ट्रेशन का अमल शुरू हुआ और पहले रोज 200 से जायद यात्रियों ने रजिस्ट्रेशन करवाई है जो इस बार यात्रा पर जाएंगे, सफर पर निकलेंगे। 28 जून से ऑफिशियली सालाना अमरनाथ यात्रा का आगाज हो जाएगा और इस बीच कल जहां पर रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है तो तीन जम्मू कश्मीर बैंक के साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक और यस बैंक की तरफ से जो 40 के करीब काउंटर्स बनाए गए थे वहां पर 28 जून से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन बढ़ी है। और इस बीच आपको ये भी बताते चलें कि पहला दिन तकरीबन 200 यात्रियों ने जो इस बार यात्रा के लिए रवाना होंगे जिनने रजिस्ट्रेशन करवाई है और इंतजामिया का जो हदफ है कि इस बार 6 लाख तक यात्री जा सकते हैं, 6.25 लाख के आसपास तादाद हो सकती है। उस हिसाब से इस बार काउंटर्स भी ओपन किए गए, ज्यादा हैं पिछले साल के मुकाबले और तैयारियां भी ज्यादा नजर आ रही हैं। प्रिंसिपल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर नितेश्वर कुमार की सरबराही में कल आला सती मीटिंग पहलगाम के साउथ कश्मीर के अंदर हुई है और वहां पर जो इंतजाम किए जा रहे हैं यात्रा को लेकर उस पर उन्होंने आज खुद मौके पर जाकर मुशाहिदा किया है। उनके हमराह डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पॉल, जिला तरक्याती कमिश्नर अनंतनाग डॉक्टर पीयूष सिंगला और यात्रा अफसर अनूप सोनी, एडिशनल सीईओ अमरनाथ श्राइन बोर्ड के अलावा डिस्ट्रिक्ट पहलगाम डेवलपमेंट अथॉरिटी के अफसर मुश्ताक अहमद शमीमी भी साथ थे वहां पर और उन्हें डिटेल प्रेजेंटेशन दी गई कि किस तरीके के अरेंजमेंट्स करने की जरूरत है और क्या कुछ वहां पर किया जा रहा है। आपको याद होगा कि साल 2019 में जब आर्टिकल 370 और 35A को खत्म किया गया तो इस यात्रा को अचानक बीच में रोक दिया गया था और कहा गया था कि मिलिटेंट थ्रेट है, उस वजह से इसको रोका गया है और बाद में आर्टिकल का एब्रोगेशन हुआ, उसके बाद कोरोना हुआ और इस बार यात्रा को 6 लाख तक पहुंचाने के लिए कमर कसी है श्राइन बोर्ड ने और इंतजामिया ने, मुश्तरका तौर पर तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है और पहले दिन यात्रा रजिस्ट्रेशन जो हुई है वो तकरीबन 200 यात्रियों ने अपनी रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल कर ली है। बैंक्स, यस बैंक, जम्मू कश्मीर बैंक और उसके साथ साथ पंजाब नेशनल बैंक, मुल्क भर के अंदर उनने काउंटर्स खोले हैं, वहां पर रजिस्ट्रेशन हो सकती है, यात्रा को लेकर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं ऑफिशियली उनकी वेबसाइट पर भी। और जब आप ये सारी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करेंगे तो कुछ डॉक्यूमेंट्स बड़े इंपॉर्टेंट है जो वहां पर रखने हैं, उसके बाद ही आपका प्रोसेस जो है मुकम्मल होगा। तो फिलहाल यात्रा रजिस्ट्रेशन का अमल पहला दिन था और पहले दिन तकरीबन 200 यात्रियों ने यात्रा रजिस्ट्रेशन जो है वो मुकम्मल की है और नितेश्वर कुमार की सरबराही में कल आला सती मीटिंग भी हुई है जिसमें इस पूरे मामले का जायजा लिया गया।